आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर और इस समय की न्यूज आई है यूपी टेट दो गलत पर्सन विवाद और एस ने क्या कहा है इस संबंध में यानी कि याचिका ने भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है और इसी वीडियो में हम बात करेंगे बीएड शिक्षक के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य हैं और हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और जो लोग नए हो हमारे इस चैनल पर वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो ये जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिल पाई है यूपी टेट दो हज़ार बाईस यानी कि गलत प्रश्नों के विवाद में ये न्यूज आई है और एच ने सरकार और परीक्षा नियामक से दो सप्ताह में जवाब मांगा है और इसकी जो अब याचिका की सुनवाई है जो कि अभ्यर्थियों की ओर से अब इसमें डाली गई है याचिका गलत प्रश्न के संबंध में तो ये याचिका की सुनवाई आपकी 25 मई को होने जा रही है और इसमें दे रखा है सरकार को दो हफ्ते में जवाब मांगा है और जैसे कि आपको पता है कि 2011 से उत्तर प्रदेश में लगातार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया हर बार ये जो यूपीटेट की आंसर की आती है हमेशा कोर्ट में जाती है ये हमेशा विवादों में रही हैं तो देखिए इसके बाद इसमें दे रखा है इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी पी टी टी दो हज़ार इक्कीस के प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से दो सप्ताह में जवाब मांगा है यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दीक्षा सिंह और सात अन्य की याचिका पर दिया है तो ये जो हैं आप देख सकते हैं ये मैटर चला गया है अब कोर्ट में जैसा कि जो फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई थी यू की इसके आंसर के विवाद के संबंध में ये सूचना है अब इसकी सुनवाई जो है मई में होने जा रही है जैसा कि इसमें दे रखा है मीडिया के माध्यम से और इसी में एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो कि याचिका के माध्यम से कही गई है जो कि भर्ती पर रोक लगाने के लिए अभी जब तक फैसला नहीं आ जाता है यानी कि इसी को हम आपको दिखाएंगे आगे इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करें तो इसमें देख सकते हैं अब याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दो हजार सत्रह के प्रश्नों के उत्तर बदलकर उन्हें 2021 में पूछा है जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 2017 के काफ़ी क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुए हैं प्रश्नों के गलत उत्तर हैं यानी कि साथ ही पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न भी आए हैं जो कि सिलेबस में नहीं हैं मांग की गई है कि हाई लेवल कमेटी से शिकायत का निस्तारण कराया जाए और याचिका को गलत प्रश्नों के उत्तरों का ग्रेस मार्क्स दिया जाए साथ ही जब तक याचिका निस्तारित नहीं हो जाती है तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए तो देख सकते हैं आप इसमें साफ साफ रूप से दे रखा है तब तक भर्ती पर रोक लगाई जाए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि यानी कि याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा याचिका का कहना है कि दो की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी और चौदह प्रश्न गलत पाए गए थे इसमें और उन्हीं प्रश्नों को उत्तर में बदलकर यानी कि दोबारा दिया गया है तो फिलहाल इतनी जानकारी है कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार विवादों में रहे हैं यू टी के और इसी प्रकार दो की परीक्षा जो दो में हुई है यू टी की तो ये भी विवाद चला गया है अब आपका कोर्ट में क्योंकि याचिका इसमें दायर की जा चुकी है यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो जो भी फैसला आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी तो देखिए इसके बाद सूचना आई है बीएड करने वाले शिक्षकों को कराई ब्रिज कोर्स और ये आदेश जारी कर दिया है हाई कोर्ट ने और इसमें दे रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उनहत्तर हज़ार सहायक शिक्षकों की भर्ती में तैनात बी एड दिग्र, डिग्री धारक अध्यापकों को एन के गजट आदेश के मुताबिक छः माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया गया है जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि बीएड अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जिन्होंने उनहत्तर हजार भर्ती में सिलेक्शन लिया है तो इसके लिए ये एक नया नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने जानकारी दी है कि इनको जो है बीएड में जो अभ्यर्थी करके आए हैं जो प्राइमरी में नियुक्त हुए हैं इनको जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स कराया जाए तो देख सकते हैं आप ये एन के गजट के मुताबिक छः माह का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश की बात कही गई है तो ये ध्यान रखिए आपकी उन अभ्यार्थियों के लिए है ये सूचना जिनका अभी उनहत्तर ईयर में सिलेक्शन हुआ है काफ़ी बड़ी भर्ती कराई गई थी उत्तर प्रदेश में ये और आगामी भर्ती भी आपको जल्द उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जैसे ही कोई हमें सूचना मिलेगी या फिर कोई अन्य जानकारी मिलेगी आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरियों के बारे में और प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीडीटी पीडीटी इन सभी के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं धन्यवाद